प्रेम जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रेम के जीवन में जो महत्व है उसको लेकर बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता प्रेम। पढ़ती हूँ। प्रेम की आकुलता का भेद छिपा रहता भीतर मन में, काम तब भी अपना मधु भेद सदा अंकित करता तन में। सुन रहे हो प्रिया, तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, और जब नारी किसी नर से कहे प्रिया तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, तो उसे थे नर उसे सुन ले ठहर कर। प्रेम करने को भले ही वो न ठहरे, मंत्र तुमने कौन मारा कि मेरा हर कदम बेहू से सुख से, नाचती है रक्त की धारा बसन कोई निकलता ही नहीं मुख से। पुरुष का प्रेम तब उद्दाम होता है प्रिया जब अंक में होती है, प्रिया का प्रेम स्थिर अविराम होता सदा बढ़ता प्रतीक्षा में। प्रेम नारी के हृदय में जन्म जब लेता, एक कोने में न रुक सारे हृदय को घेर लेता है। पुरुष में जितनी प्रबल होती विजय की लालसा, नारियों में प्रीति उससे भी अधिक उद्दाम होती है। प्रेम नारी के हृदय की ज्योति है, प्रेम उसकी जिंदगी की सांस है। प्रेम में निष्फल स्त्रियां जीना नहीं फिर चाहती, शब्द जब मिलते नहीं मन के प्रेम तब इंगित दिखाता है। बोलने में लाज जब लगती प्रेम तब लिखना सिखाता है। पुरुष प्रेम में संतत कहता है पर प्रायः थोड़ा थोड़ा, नारी प्रेम बहुत कहती है सच है लेकिन कभी कभी। स्नेह मिला तो मिले नहीं क्या वस्तु तुम्हें, नहीं मिला यदि स्नेह बंधु जीवन में तुमने क्या पाया। फूलों के दिन में पौधों को प्यार सभी जन कहते हैं, मैं तो तब जानूंगी जब पतझड़ में भी तुम प्यार करो। जब यह केस श्वेत हो जाए और गाल मुरझाए हो, बड़ी बात हो रसमय चुंबन से तब भी सत्कार करो। प्रेम होने पर गली के स्वान भी कैबर के लय में गरजते भूखते हैं। प्रातःकाल कमल भेजा था सुसी हिमदोत समुच्चल, और सांझ को भेज रहा हूँ लाल लाल या पातल। दिन भर प्रेम जलसा रहता शीतल शुभ्र असंग, पर धरने लगता होते ही सांझ गुलाबी रंग। उसका भी भाग्य नहीं खोता, उसका भी भाग्य नहीं खोता जिसको ना प्रेम प्रतिदान मिला। छू सका नहीं पर इंद्रधनुष, छू सका नहीं पर इंद्रधनुष, शोभित तो उसके उर्मि है, शोभित तो उसके उर्मि है। कैसा लगा? सुंदर कविता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता को लिखा है, सराहनीय है। धन्यवाद।